गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम राजेश एंड यू आर वॉचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल लर्निंग विद राजेश। एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड सिनोनिम सीरीज एंड आई होप एंड आई एम वेरी हैप्पी टू नो दैट यू आर एंजॉयिंग दिस सीरीज। एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न 10 मेजर वर्ड्स एंड मेजर सिनोनिम्स दैट आर रिपीटेड इन एवरी एग्जाम और मीन मेजर एग्जाम्स एंड विच आर written on in the brackets also that are repeated in SSC or NDA, whatever the exam is. So now today's first point is handled. Handled here means tackled. हमने कई बार हम कह देते हैं चलो आप चलिए मैं इनको टैकल करता हूँ। टैकल मीन्स क्या होता है? संभालना, अच्छे से मैनेज करना, हैंडल करना। आई होप कि आपको ये वर्ड तो पहले से ही आता होगा, लेकिन कई बार ऐसे वर्ड भी रिपीट होते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज क्लेमेंसी। क्लेमेंसी हेयर मीन्स काइंडनेस। कल मैंने मन से, कल क्लेमेंसी मतलब कल मन से मैंने दयालुता दिखाई, काइंडनेस दिखाई। आई होप कि आपको इस ट्रिक से आपको ये वर्ड याद हो जाएगा। कल मन से क्लेमेंसी, क्या दिखाई मैंने? काइंडनेस। नेक्स्ट वर्ड इज नेव। नेव हेयर मीन्स डिसऑनेस्ट, बेईमान। कई बार कई लोग क्या होते हैं? नेव होते हैं, वो बेईमान होते हैं। एंड द सिनोनिम इज यूज्ड एज डिसऑनेस्ट। इन द नेक्स्ट वर्ड इंडस्ट्रियस। यू नो दैट सम वर्ड्स आर रिपीटेड इन वेरियस एग्जाम्स सच एज इंडस्ट्रियस, यू आर गोइंग टू लर्न इट थ्राइस। एंड द सिनोनिम ऑफ इंडस्ट्रियस इज डिलीगेंट। यू लर्न दैट दिल्ली के एजेंट जो होते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं, इंडस्ट्रियस होते हैं, लेबोरियस होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। ये इतने इनके सिनोनिम हैं। नेक्स्ट वर्ड इज वैरीगेटेड। वैरीगेटेड हेयर मीन्स हैविंग डिफरेंट कलर्स। कोई चीज़ कई कलर की हो उसे हम वैरीगेटेड बोलते हैं, जिसे आप रंगीन कहते हैं। एंड द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सिनोनिम इज ट्रैम्प। ट्रैम्प हेयर मीन्स वांडरर, अ पर्सन हु वांडर हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ वर्क और एनीथिंग। सो ही इज नोन एज ट्रैम्प। ट्रैम्प का मीनिंग यहाँ पर है जो व्यक्ति घुमंतु प्रकृति के होते हैं, दे आर नोन एज ट्रैम्प। द नेक्स्ट वर्ड इज पेल। पेल हेयर मीन्स एशी। एशी मीन्स होता है हल्का रंग का। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज पार्ले। पार्ले मीन्स डिस्कस। अब आपको याद करने की ट्रिक है कि पार्ले खाकर हमने अपने दुश्मन के साथ डिस्कस की। डिस्कस मीन संधि करने के लिए वार्ता करना, क्या कहलाता है? पार्ले, डिस्कस करना। तो याद करने की ट्रिक आई होप कि आपको पसंद आई होगी, याद हो जाएगा अब आपको। नेक्स्ट वर्ड इज ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीन्स टेरिबल, भयानक। कई बार आप देखते हैं कि मैंने ये चीज़ है ना बड़ी टेरिबल पाई। सो यू कैन यूज अ सिनोनिम एज आई फाउंड दिस थिंग एज वेरी ड्रेडफुल। ड्रेडफुल मीन्स भयानक। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज इंसीडियस। इंसीडियस मीन्स कनिंग। इनसे दस्तगिन से सुन लो, इनको आती मिलेंगी। क्यों? क्योंकि ये कनिंग है। इनसे दस इंसीडियस। इनसे दस तक गिनती सुनो, ये छोटा सा बच्चा बड़ा कनिंग है, चतुर है, इंसीडियस। आई होप यू गॉट ऑल द पॉइंट्स ऑफ टुडे। इफ यू आर न्यू ऑन माय यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड शेयर ऑल्सो, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशन। एंड रेस्ट ऑफ यू प्लीज लाइक एंड शेयर सो दैट योर फ्रेंड एंड योर सर्कल students can learn these major words, major synonym for preparation of their competitive exam. Thank you and have a nice evening.